हेलो फ्रेंड्स, मैं सीबू गेम पोर्टल लिख के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और फाइनली मैंने माइनक्राफ्ट में नीथर पोर्टल बना लिया, जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है ऑब्सिडियन, जो आपको मिलता है लावा से। इसके लिए आपको पानी इकट्ठा करना पड़ेगा, जहां लावा है वहां आपको पानी डालना पड़ेगा जिससे ऑब्सिडियन बनता है। पर आपके पास डायमंड एक्स होना ज़रूरी है, उसके अलावा ऑब्सिडियन आपको मिलेगा नहीं खोदने पर। साथ ही साथ आपके पास फ्लिंट एंड स्टील भी होना चाहिए जिससे कि पोर्टल खुलता है। तो सबसे पहले हम लावा ढूंढेंगे। तो मेरे पास एक जगह माइन है जहां मैं मुझे लावा मिला था। मुझे बस करना ये है कि बाल्टी में पानी ले जाकर उस लावा में डालना है, जिससे कि बनेगा ऑब्सिडियन। और डायमंड मैंने माइन करके निकाला था, उससे पिकैक्स बनाया था, वो मुझे ऑब्सिडियन खोदने के काम आएगा। और फ्लिंट और स्टील जो है, फ्लिंट एक पत्थर होता है और स्टील यानी कि आपका लोहा, आयरन इंगेट जो रहता है उससे मिलता है। तो ये मैंने ऑब्सिडियन बना के रखा है। ये देखिए, यहाँ लावा था, इसमें खूब सारा पानी डाल दिया जिससे कि ऑब्सिडियन के बहुत सारे ब्लॉक्स बन गए। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये लावा गर्म है, इसमें जैसे ही आप पानी डालेंगे वो पोर्शन आपको ऑब्सिडियन बन जाएगा। ये देखिए, अब बस करना ये है कि डायमंड एक्स निकालिए और उसके बाद उसे खोदना चालू कर दीजिए, तो आपको इसके ब्लॉक्स मिलना चालू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है जो जल्दी टूटता भी नहीं है, और डायमंड एक्स से भी इतना टाइम लगता है इसमें। देखिए, तो जैसे ये टूटेगा नीचे की लेयर वापस लावा में बदल जाएगी और वो आपको ब्लॉक मिल जाएगा। तो ऐसे 14 ब्लॉक्स चाहिए होते हैं जो नीथर पोर्टल है वो बनाने के लिए, क्योंकि उसका बेस में आपको 4 ब्लॉक्स चाहिए और 5-5 ब्लॉक्स का इसका हाइट रहता है, तब जाके वो एक नीथर पोर्टल बनता है। तो अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इसे बनाया था। और फ्लिंट और स्टोन के लिए आपको खुदाई करके फ्लिंट निकालने पड़ेंगे और आयरन इंगेट के साथ मिला के फ्लिंट एंड स्टोन बनाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 16 ब्लॉक्स हैं, तो मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मेरा जो नीथर पोर्टल वो बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने अपने घर के पास में ही जो मेरा यार्ड है उसमें मैंने गड्ढा करके रखा है, उसमें मैं बना के बनाऊंगा अपना नीथर पोर्टल। और उसमें हम जाएंगे और वो बहुत ही अजीब जगह थी, वो आपको टेलीपोर्ट कर देती है दूसरे वर्ल्ड में, जो कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड होता है। तो वहाँ खूब सारा लावा, हमेशा हर जगह आग और अलग अलग टाइप के आपको ब्लॉक्स मिलेंगे वहाँ, वो दुनिया ही अलग है। तो मैंने फ्लिंट एंड स्टोन बना के रखा था, इसलिए मैं उसे निकाल लेता हूँ, काम आएगा। तो चलिए, आप अगर फ्लिंट एंड स्टोन बनाना है तो ये आपका जो क्राफ्टिंग टेबल है इसमें आप बना सकते हैं। आपके पास बस फ्लिंट्स और आयरन इंगेट होने चाहिए, फिर आप आराम से उसे बना पाएंगे। तो ये खाली जगह मैंने बना के रखा है। तो सबसे पहले ऑब्सिडियन लेना पड़ेगा आपको, और नीचे यानी कि नीचे 4 ब्लॉक्स डालना पड़ेंगे, 1, 2, 3 और 1, 4 ये बेस का काम करेगा उसका। फिर आप एक एक ब्लॉक इधर लगाएंगे, तो ऊपर हो गए 3 और 4 ब्लॉक हो गए मेरे। अब इसके ऊपर चढ़ के मैं 2 ब्लॉक्स और लगा दूंगा। मैं ये पत्थर मैंने इसलिए रखा हुआ है, तो इसके ऊपर चढ़ के ये मेरा बाउंड्री वॉल है। ये देखिए, दोनों साइड से आपको बराबर हाइट में 5-5 पत्थर रखने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर आपको कवर करना पड़ेगा इस बीच का पोर्शन। तो ये बन गया मेरा नीथर पोर्टल। अब बस इसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए मेरे पास फ्लिंट एंड स्टोन है, ये देखिए मैं इसे ले लेता हूँ, फ्लिंट एंड स्टील सॉरी। तो जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आपका पोर्टल तैयार। भाई मैं अंदर गया, बहुत ही भयानक जगह है, अलग अलग टाइप के जीव हैं, और उसमें जल के मैं मर भी गया था। तो उसके बाद फिर दूसरी बार मैंने ट्राई किया उसको। ये देखिए, जैसे ही आप जाएंगे स्क्रीन अपने आप ब्लर होने लगेगा, हिलने लगेगा। इसमें जनरेटिंग 1 बिल्डिंग टेरेन लिखा हुआ है, तो काफ़ी देर तक हिलता है, फिर आपको सामने स्क्रीन दिखाई देती है जहाँ से आपको निकलना है। ये देखिए, हल्का सा दिखना चालू हो गया, आग आग दिख रही है, फिर ये वर्ड आ जाता है। ये देखिए, मैं एक बार मरा था इसमें, तो ये मेरे पूरे आइटम्स यहाँ बिखरे हुए हैं। काफ़ी डरावनी जगह, मुझे पता नहीं था पहले क्या करना है यहाँ, कैसे रहना है। तो ये वर्ल्ड है, देखिए नीचे पूरा लावा बह रहा है, हर जगह लावा है, काफ़ी खतरनाक जगह है ये। खैर, इसके बारे में और आगे रिसर्च करके इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, और जानूंगा कि क्या क्या होता है यहाँ पर।
तो ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड लगता है जहाँ तक हम नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। हर जगह लावा और आग दिख रहा है इसमें, देखिए ये पता नहीं कौन सा मटेरियल है, इसे मैं बाद में खोदूंगा, इससे तो हो नहीं रहा है, बाद में अपना पिकेक्स लाके इसे खोदूंगा, तो बाद में आऊँगा, अभी तो मैं अपना आइटम कलेक्ट कर लेता हूँ। और इसमें उड़ने वाले जीव भी हैं काफ़ी अलग अलग टाइप के, उनके बारे में बाद में रिसर्च किया जाएगा। तो फिलहाल मैं अपने घर में वापस आ गया, ये देखिए इस पोर्टल से आ सकते हैं जा सकते हैं, मैंने घर के पास में ही पोर्टल बना लिया है। तो पहला शाउट आउट है विश्वास पांडे का, तुम्हारा वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगा है, वीडियो बनाते रहना, वीडियो भेजते रहना, ओके भाई। एक्सेप्ट गेमर बोलते हैं भाई शाउट आउट प्लीज़। फिर तस्नीम मोइन बोलते हैं शाउट आउट। विजन सिंह बोलते हैं गेम ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं भाई। नवीन पटनी बोलते हैं क्राइंग शाउट आउट। फिर मोहित पॉल बोलते हैं भाई प्लीज़ मेरा शाउट आउट लाओ, मैंने आपसे चैनल पर कमेंट की थी, ओके भाई। यश शर्मा बोलते हैं हाय। गेम हैकर बोलते हैं भाई मेरे को दोनों चैनल पर सब्सक्राइब किया पर आप शाउट आउट नहीं देते, ओके भाई। अब आपका शाउट आउट हो गया, तो जिनका शाउट आउट हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ कमेंट करते रहिए, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब किए कीजिए ताकि आपको शाउट आउट मिलता रहे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं सब, और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो।